भदौर थाना क्षेत्र के दो अलग अलग जगह पर गुरुवार को हुई मूसलाधार बारिश और वज्रपात की चपेट में आने से दो लोगों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद भदौर थानाध्यक्ष अरविंद कुमार दल बल के साथ मौके पर पहुंच दोनों के शव को जब्त कर अनुमंडल अस्पताल में पोस्टमार्टम करा परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। मृतकों में दरवे के पप्पू कुमार तथा बाघाचक के फुलवा देवी के रूप में की गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दरवे के पप्पू मवेशी चराने गया था टाल में, जहां अचानक वज्रपात हुआ और भागने के क्रम में वज्रपात की चपेट में आने से झुलस गया और खेत में ही दम तोड़ दिया। जबकि महिला भी खेत में काम करने गई थी, वहां बारिश होने लगा और वज्रपात की चपेट में आने से उसकी मौत हो गई। मृतका खेत के पास एक पेड़ के पास गिरी हुई थी। घटना के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व भी बिहारी बीघा के एक युवक की वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि टाल क्षेत्र में वज्रपात की चपेट में आने से इस साल अब तक 3 लोगों की मौत का दृश्य सामने आ चुका है। इसके लिए प्रशासन द्वारा टाल क्षेत्र में जागरूकता के लिए कार्यक्रम करवाने की जरूरत है। क्या घटना घटित हुई है? घटना यह है कि आकाशीय बिजली से यहाँ ये बाघाचक में फुलवा देवी पति राम नरेश महतो है ना, नरेश गणेश महतो दरवे भदौर में पप्पू सिंह पिता भुवनेश्वर सिंह की मौत हो गई है। दोनों कृषि कार्य हेतु, एक मवेशी चराने हेतु, ये महिला कृषि कार्य हेतु गांव से बाहर गई हुई थी, इसी बीच आकाशीय बिजली से दोनों की मौत हो गई है। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।